हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना के बड़े। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको कोई भी ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर आप इसको इवनिंग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप साबूदाना। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। जितना साबूदाना ले उतना ही पानी ले। तब इसको 4 से 5 घंटा भिगो के रखेंगे। 4 से 5 घंटा हमारा यहाँ पर हो गया है, साबूदाना बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो एक साबूदाना को हम चेक कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे भिगो के रखा हुआ साबूदाना। अब हम लेंगे उबले हुए आलू। आलू को अच्छे से मैश करके इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे क्रश मूंगफली, कटा हुआ धनिया पत्ता, कटा हुआ करी पत्ता, कुटा हुआ ग्रीन चिली, 1 लेमन जूस यहाँ पर डालेंगे। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और ध्यान रखें साबूदाना बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। बस हल्के हाथों से हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तेल को अच्छे से गरम करेंगे। अब हम थोड़ा सा साबूदाना का डो लेंगे और इसको बड़ा का शेप देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बड़ा को शेप देके तैयार कर लिया है। अब इसको तेल में फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम में हम बड़ा को अच्छे से फ्राई करेंगे। एक साइड को हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको हम पलट लेंगे और दूसरी साइड को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर बड़ा हमारा फ्राई हो गया है। अब इसको हम तेल से निकाल देंगे बाहर। तो बड़ा हमारा बनके तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। अब हम इसको तोड़ के दिखाएंगे, ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।